हेलो स्टूडेंट, NDA 2019 का एग्ज़ाम टाइम आ गया है। लास्ट टू डेज हैं, आज थर्सडे नाइट है, फ्राइडे एंड सैटरडे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लास्ट टू डेज में ऐसा क्या करें कि हम एक बेस्ट रिजल्ट की तरफ जा सकें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और अगर आपने मेरा सेशन पूरा ध्यान से सुना और इसको एग्ज़ाम में भी अप्लाई किया तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकें या बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। कुछ बेसिक बातें जो फंडामेंटली आपको भी पता है पर फिर भी आप वही मिस्टेक कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो मैं कुछ बातें आपको बताता चलूँगा वन बाय वन। किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। नंबर वन, आप कितना स्ट्रेस फ्री हैं। नंबर वन, आप कितना स्ट्रेस फ्री, यानी अगर आप प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आप एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसको बिल्कुल ऐसे ही सोचिए कि अगर आप बहुत टेंशन में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हैं, केयरफुल होकर चलाएंगे तो नहीं है। ये ध्यान रखिएगा स्ट्रेस मतलब क्या होता है। सेकेंड, नॉलेज ऑफ एग्जामिनेशन। जिस पेपर को आप देने जा रहे हैं, अगर आपको उस पेपर में एक अच्छी नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि 100% हो, इज नॉट नेसेसरी कि 100% हो, पर इम्पॉर्टेंट इज कि जो भी नॉलेज है वो अच्छी हो। अगर वो अच्छी है तो आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस लेवल एंड पेपर सॉल्विंग अप्रोच विथ पेपर हैंडलिंग। क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं होल ईयर, और एग्ज़ाम के समय कई बार वो रिजल्ट बिगाड़ देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि एग्ज़ाम में या तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर या स्ट्रेस लेते हैं, नंबर वन रीज़न। कई बार कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, कई बार पेपर देख के एकदम घबरा जाते हैं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपके साथ बहुत आराम से सेशन लेना चाहता हूँ और कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन मैं मानता हूँ पढ़ाई का लास्ट डे है, थर्सडे। यानी अब ये सेशन सुनने के बाद आपको एक अच्छी नींद लेनी है। फ्राइडे के दिन क्या प्रिपरेशन करनी है वो बताऊंगा, और थर्सडे के दिन कंप्लीट रेस्ट लेना है आपको। मैंने अभी जो एक बच्चा मेरा सिलेक्ट हुआ था प्रद्युमन, उसका आपको सेशन भी सुनाया था। वो फाइनली फर्स्ट उसका NDA लास्ट अटेम्प्ट था, पर लास्ट अटेम्प्ट में वो सिलेक्ट भी हुआ और साथ में उसका SSB भी क्लियर हुआ। और उसने एक ही बात मुझे बोली कि सर, जो जो आपने बातें बोली थी उसको माना। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट डे प्रिपरेशन की थी, पर मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने बोला था और उसका फायदा मिला। क्योंकि देखिए, संडे का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। संडे के दिन आपको 2 पेपर देने हैं, एक मैथ्स का पेपर देना है। मैथ्स का पेपर देते समय वैसे ही बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग करनी होती, तो ब्रेन की वर्किंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके बाद GAT का पेपर देना है। यहाँ पर 120 क्वेश्चन से फाइट करनी है या 150 क्वेश्चन से फाइट करनी है, और दोनों में अच्छा परफॉर्म करें। उसके लिए आपका ब्रेन जितना फ्रेश, जितना न्यूट्रल होगा, उतना अच्छा पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। लास्ट डे प्रिपरेशन के लॉस बता देता हूँ, बेनिफिट भी बता देता हूँ। बेनिफिट ये होता है कि लास्ट डे जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड पेपर में जो भी आता है वो आप बहुत ही क्विकली सॉल्व कर देते हैं, ये एक बेनिफिट है। और अक्सर जो लोग लास्ट डे पढ़ते हैं वो अगले दिन पेपर में जैसे जो भी चीज़ पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट डे आपने बाइनोमियल थ्योरम का रिविजन किया या कॉम्प्लेक्स नंबर का किया या हिस्ट्री का किया या इंग्लिश का, जिस पार्ट का किया वो क्वेश्चन बन गया, आप बहुत खुश है कि अच्छा रहा मैंने लास्ट डे पढ़ लिया। पर आपको वो टॉपिक तो बन गया, पर बचे हुए टॉपिक पे आपको रिकॉल करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से पेपर में हमारे अटेम्प्ट कम होते हैं। यानी लास्ट डे प्रिपरेशन का फायदा कुल मिला के 5% होता है, पर लॉस 95% होता है। बहुत ही लॉजिकल तरीके से पेपर को देना चाहिए। स्पेशली मैं आपको एक बात बोलूँगा कि NDA एक ऐसा एग्ज़ाम है, IIT और NDA में बहुत डिफरेंस है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप सब मैथ्स वाले बच्चे मोस्टली देते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो कॉमर्स या अदर बैकग्राउंड के होते हैं, कि IIT और NDA में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। IIT में अभी नए पैटर्न पर देखें तो 75 क्वेश्चन ही हो गए अब, जो अभी तक हुआ नहीं है, पर पुराने पैटर्न में देखें तो हमें 90 क्वेश्चंस को देना होता है, 3 आवर का टाइम मिलता है, PCM होता है केवल। पर NDA इज डिफरेंट थिंग। NDA का पेपर कभी भी टफ नहीं होता, बट NDA के पेपर में इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं ये एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्चुअल में NDA के लिए वो जो पर्सनालिटी चाहते हैं, जो रियल में उनको इंसान चाहिए, वो चाहिए ऐसा इंसान जिसका डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो।
मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आपको देखिए, आप सोचिए कि आप क्या बनने वाले, लेफ्टिनेंट बनने वाले, आपके पास एक बहुत बड़ी सेना होने वाली, आपको बहुत कुछ करना होगा और आपकी एक डिसीजन होना चाहिए कि किस समय क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये जो 120 क्वेश्चन है और ये जो 150 क्वेश्चन है, इसमें वो आपकी ये नॉलेज चेक भी करते हैं कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, डिसीजंस मेकिंग पावर, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ जो लास्ट में अभी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली लाइव क्लास ली थी, मैंने आपको कहा था कि मैं कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी का आपको एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा और करवाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, पिछले दो सेशन से भी करवा रहा हूं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, इसलिए मैंने इस बार ये टॉपिक लिया, आपके साथ पेपर भी शेयर किया। इन सब का एक ही पर्पस था कि आप समझें कि क्या चीज करनी है। नंबर वन, कि आप जिस किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी एक को फॉलो करने की आदत डालिए और अब समझिए कि करना क्या है, क्यों हमारे लिए ये पेपर में। यहां पर आपकी बहुत डीप नॉलेज लगती है, यहां पर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी, यहां पर भी फाउंडेशन लगता है पर फाउंडेशन के साथ एडवांस लेवल की नॉलेज लगती है, यहां पर नहीं। आपको एनडीए लेवल के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट क्विक रिवीजन क्लास में आपको बताया था कि कैसे वन आवर वन एंड हाफ आवर में आपको रिवीजन करना है। आपको जेई लेवल तक नहीं जाना, इवन आपको एनडीए के भी एडवांस लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई की जाती है, वो सब करवाई थी और आई होप कि आपने वो सब अच्छे से किया भी होगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि ये एनडीए 2 नवंबर वाला सबसे हाईएस्ट टाइम का था, यानी अप्रैल से नवंबर तक सबसे लंबा टाइम मिला था, तो आई होप कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। बट अभी मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली जो फोन अटेंड करता हूं, उसमें सबसे ज्यादा मेरे पास जो फोन आते हैं बच्चों के, वो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये लास्ट अटेम्प्ट है, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्लियर नहीं हो पा रही, और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या AASR SSR या और एक्स वाई ग्रुप किस किस को भर सकते हैं, CDS की प्रिपरेशन क्या करें, ऐसे कई सारे फोन आते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत पॉजिटिवली बात बोलना चाहूँगा, आप अगर डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो एक बेसिक रूल होता है कि जब तक आखिरी सांस है, जब तक लड़ना है, वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यानी अगर आप NDA का पेपर दे रहे हैं तो पहले NDA के पेपर पर फोकस करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन बाद में सोचिए। ये अगर एटीट्यूड आप डेवलप नहीं करेंगे तो हो सकता रिटर्न निकाल लें पर आप SSB नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ आपको अभी से अपने अंदर लानी है, अंदर तक लानी है, सारे थॉट्स निकाल दीजिए, अभी फोकस होना चाहिए कि अभी क्या। कम पढ़ाई किए तो भी अगर आप स्मार्ट हैं, स्मार्ट स्किल को यूज़ करेंगे तो कम पढ़ाई में भी हो सकता है आप NDA का रिटर्न एग्जाम निकाल लें। और वो क्या करना होगा वो टेस्ट मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि फ्राइडे के दिन बहुत ही बेसिक लेवल की प्रिपरेशन करिए, कोई बुक ओपन मत करिएगा फ्राइडे के दिन बिल्कुल भी। जितना भी आपने पिछले 15 दिन या 20 दिन में पढ़ा है या 6 महीने में, उसको ब्लैंक पेज पे लिखते चलिए। ना तो अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है, ना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना है, ना कोई बुक ओपन करनी है, कुछ भी नहीं करना है। कल सुबह से लेके रात तक अगर कुछ करना है, जितने भी घंटे पढ़ना है, कम से कम पढ़िए, पर जितना भी पढ़ना है जो आता है वो ब्लैंक पेज पे लिखिए। और ये थॉट मत लाइए कि काश मैंने पहले से पढ़ाई की होती, काश मैं यहाँ चला गया होता, या मैंने पहले बात कर ली होती। कई सारे बच्चे मुझसे बहुत आखिरी में बात करा उन्होंने, मैंने उनसे यही बोला कि 21 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसके बाद से अब तक कहाँ थे आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इवन आप सबको एक अच्छी न्यूज बता दूं कि नेक्स्ट सीजन से यानी NDA 1 अगले के लिए हम लोग क्लासरूम के अलावा लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ होंगे। जिस समय है क्लास चल रही होगी वो क्लास आप भी अटेंड कर पाएंगे, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। पर ये सब चीजें भी अभी नहीं सोचनी है, अभी हमारे दिमाग में अगर कोई एक थॉट होना चाहिए तो लास्ट 2 डेज क्या करना है। तो नंबर 1, की फ्राइडे के दिन जितने भी मैथ्स के 30 टॉपिक्स हैं, आप अगर बिना बुक खोले रिवीजन करेंगे, जैसे मैं करवाता हूं क्लास में और आपको करवाया है, तो आप 30 के 30 टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। अब आप में से अगर किसी के 20 हुए, किसी के 15 हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 18, बिना कोई एक्स्ट्रा थॉट के उतने टॉपिक को एक ब्लैंक पेज पे जरूर लिख लीजिए, उनके रिवीजन फॉर्मूले और जो जो रिलेटेड क्वेश्चन है। इस काम में आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे। देन सेकेंड क्या करना है आपको, अब सेकेंड काम है आपके लिए कि GAT में भी इसी तरह से जो जो करेंट अफेयर्स की न्यूज दिमाग में हो, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, बायो की, केमिस्ट्री की, वो लिख लें।
बुक ओपन बिल्कुल नहीं करना है। कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं, दिमाग को न्यूट्रल और फ्रेश करने की कोशिश करना है। बहुत ज्यादा ज्यादा 6-8 घंटे की पढ़ाई करें तो करें, देन कल सोने के बाद से लेके संडे तक आपको बुक ओपन नहीं करनी है। यानी सैटरडे 100% मतलब 100% रेस्ट दे रखिएगा। बहुत अच्छा, अगर आपने रेस्ट किया, आपने अपने दिमाग को बिल्कुल न्यूट्रल कर लिया, तो आप एक बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। सुनने में आपको लगेगा बहुत विल पावर भी लगती है कि पूरा दिन खाली निकाल लें, पर ये छोटी छोटी टिप्स हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस जो हैं, जो अनुभव हैं, उन्हीं के आधार पर बोल रहा हूँ। मैंने देखा है कि लास्ट डे की रेस्ट का रिजल्ट हमेशा अच्छा मिला, और दो पेपर देने के लिए बहुत ही ब्रेन को कूल रखना जरूरी है, जो कि आप जब ही कर सकते हैं जब आप एक दिन पूरा रेस्ट करें। तो इस दिन क्या करा जाए कि रेस्ट करें, तो आप कोई गेम खेलिए, कोई भी लाइट गेम, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो गेम लगता है वो खेलिए, घूमिए फिरिए, मूवी देखना मूवी देखिए, जो करना करिए, पर पढ़ाई मत करिए। और किसी से कोई पेपर के बारे में डिस्कशन भी मत करिए, किसी से भी मतलब किसी से भी कोई डिस्कशन मत करिए। और जो भी अभी तक पढ़ाई किए उसी पढ़ाई के बेस पर पेपर देना है, बस अपना 100% देना है। कोई थॉट मत लाइए क्या होगा, आखिरी अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, सब भूल जाइए। इस पेपर के बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा पेपर का, इनफैक्ट पेपर आने के बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा पूरा, मैथ्स का भी, जीएटी का भी, और बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि एक्यूरेट आंसर मिले। पिछले 3 बार से 4 बार से एक्यूरेट आंसर मिलना, हाईएस्ट एक्यूरेसी आपको इंपीटस गुरुकुल द्वारा दी जा रही है, और वो आगे भी रहेगी, तो कोशिश यही होगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम इस बारे में बात 17 की बाद, यानी जब 17 को पेपर दे के आ जाएंगे दोनों, उसके बाद बात करेंगे। तो सैटरडे का दिन कंप्लीटली एक अच्छा रेस्ट का दिन होगा, नींद आना मुश्किल होगा, वैसे भले ही आती पर पेपर के एक दिन पहले नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हम एक्स्ट्रा टेंशन लेते हैं, और टेंशन भी इस बात की कि क्या होगा। आप याद रखिएगा कि मेरा यह अनुभव कहता है कि जब आप सोचते हो क्या होगा, या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, या एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जाम देते हो, तो कई बार हमारा रिजल्ट बिगड़ जाता है। मैं आपसे बोलूंगा आप सारी बातें छोड़ के जाइए, सब कुछ छोड़ के जाइए, आपको एक चीज करनी है कि जो मुझे आता है मैं पेपर में कराऊंगा, जो नहीं आता उसको नहीं देखूंगा, सिलेक्शन क्वेश्चन को प्रॉपर। अभी उस पर भी आ रहा हूं मैं कि संडे के दिन क्या क्या करना है। ये सैटरडे के दिन अपने आप को फ्रेश रखना है, अच्छा अच्छा रेस्ट रखना है, जिससे कि प्रॉब्लम ना है। अब बात आती है संडे उठने के बाद, सबसे पहले तो सेंटर पे टाइम पे जाना है, और जो जो आपके पास पेन प्रॉपर होना चाहिए, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, जो जो चीज़ें बोली गई हैं वो सारी अपने साथ लेके जाइए। सेंटर पहले से पहुंचिए जिससे कि सेंटर पे आपको प्रेशर ना हो। इनफैक्ट यहाँ पर भी मैंने सभी बच्चों को बोला था, क्योंकि इस बार जो बच्चे भोपाल आए उनको भोपाल ही उन्होंने सेंटर लिया, तो वो अपने अपने सेंटर्स मैंने बोला देख के आओ। सैटरडे को आप भी अगर आपका सेंटर दूर हो तो देख के आइए। तो सैटरडे का दिन आपका पूरा रेस्ट डे होगा, और प्लस आप कोई थॉट, कोई राइटिंग वर्क कुछ नहीं करना। बुक तो बिल्कुल सोच लेना कि कुछ है ही नहीं, मान लेना कि अब संडे को पेपर भी नहीं है। जब आप जितना फ्री होके पेपर देंगे उतना अच्छा। अब आती बात संडे को रेस्ट में, मैथ्स अगर कोई बच्चा 120 में से 60 या 50 भी राइट करता है तो सिलेक्ट होता है। ये बात आप देख रहे हैं कई समय से कट ऑफ पे, इसमें भी लगभग 75 से 90 के बीच में। यहाँ पर मैंने आप सबको एक ही चीज़ बोली थी, 80-40 का रेशो रखें, यानी हर 3 में से एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यानी हर 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हर 3 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, राइट? यानी आपके पास छोड़ने के लिए बेपनाह स्कोप है, पर क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, ये अगर क्लियर होगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। छोड़ना वो है जो नहीं आता, बट केवल यही वर्ड नहीं जो नहीं आता, छोड़ना वो भी है जो अच्छे से आता है पर जिसका क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले रहा है। यानी मैंने आपको एनालिसिस के समय कई सारे क्वेश्चन बताए, लाइक एरिया अंडर कर्व, कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है पर कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाइट एंड डिस्टेंस कई बार बहुत सिंपल आता है, कई बार टाइम कंज्यूम करता है। आपने डायग्राम, पहले स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम, फिर डायग्राम बनाने का टाइम, फिर रिजल्ट देने का टाइम, देन लीव दिस क्वेश्चन। यानी मैं यहां पर बहुत क्लियर हूं कि कोई चीज आपको अच्छे से भी क्यों ना आती हो,
पर अगर वो आपका टाइम ले रही है, वो आपकी फेवरेट नहीं हो सकती, उसे छोड़ना है आपको। ये अगर आपने थॉट रख लिया तो आप देखना आपका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके लिए अब ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या छोड़ना है, इसके लिए 10 मिनट पहले आपको इत्मीनान से केवल इस बात के लिए देने हैं, केवल इस बात के लिए देने हैं कि मैं पेपर में ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रखूंगा। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता है 1, 2, 3, 4। 1 मतलब पहला राउंड, 2 मतलब पहले राउंड के बाद के क्वेश्चन, 3 मतलब थर्ड राउंड, 4th मतलब टाइम बचा तो करेंगे। अब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी एक दिक्कत होती है, कई बार सिलेक्शन करते समय कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्चुअल में फोर्थ राउंड के थे, बाई चांस टिक हो गया। जब आप करना स्टार्ट करेंगे, जब पकड़ में आ जाए छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, देर मत करना इसमें। इसमें देर करी, इसमें फाइट करी तो मुश्किल में आ जाओगे। अब आती है बात कि और क्या करना है। बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई, ट्रिग्नोमेट्री एंगल से लेके होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन से होता है, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से होता है, फंक्शन लॉजिक से होता है, डिफरेंशिएशन लॉजिक से होता है, बट फिर भी मैं बोलूंगा चैलेंज नहीं लेना है। अब इस बात का क्या मीनिंग है समझिए। सपोज आप परमुटेशन की क्वेश्चंस कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आए, अगर आपको 4 बनते एक नहीं बनता, फाइट मत करिए। ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक बताई, शायद ऐसी टेक्निक्स आपने देखी नहीं होंगी, वो सब आपके पास है। जो जो बताया है, जिस ढंग से पढ़ाया है, उसको अप्लाई करिएगा। एग्जाम में जाके वैसे ही मत हो जाइएगा जैसे आप रोज लाइफ में रहते हैं। अगर आपने वही करा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए क्विक रिवीजन के समय भी हर बार यही बात बोली थी, तो मैं फिर जो बोलना सुनिए कि आपको वो टेक्निक्स फॉलो करनी है। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे, पर मैं श्योर हूं 15 में से 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, पर अब कई बार हमारे अंदर, हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करी, हम तो पूरी कर सकते हैं, हम इन 3 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, 3 करने में नुकसान नहीं है, पर ये 3 हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन कम कर दें। इसलिए फेवरेट टॉपिक के भी लेंथी क्वेश्चंस को स्कैप करना है, चाहे वो फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो PNC हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे वेक्टर हो, एनीथिंग। वेक्टर देखोगे तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के 2 सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के 5 बिल्कुल सिंपल, लीप ईयर, सिक पॉइंट, इन सबके सिंपल क्वेश्चंस को पहले निकाल के लाइए। और केयरफुल रहिए, सिंपल क्वेश्चन में मिस्टेक के चांस होते हैं, कई बार DX/DY होता है, हम DY/DX ही पढ़ते हैं। मिस रीडिंग मिस्टेक मत करिए, अब तक हुई हो तो भी भूल जाइए। दूसरा, आपने जहां पर भी पढ़ा हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस हुई, लास्ट टाइम तक क्या हुआ, सब भूल जाइए। आखिरी दिन है, आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट करिए। आपके पास, मैंने आपको बोला 80-40, यानी हर 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, 1 छोड़ना है, बट आप 60 भी कर दो, आप 50 भी कर दो, और अपना एफर्ट्स राइट पे ही रखिएगा। इसलिए 60 की बात कर रहा हूं, अगर 60 भी करे तो भी 2-4-5 गलत हो सकते हैं। गैस वर्क बिल्कुल मत करिए, 0 गैस वर्क रखिएगा, उसके बाद भी गलत हो सकते हैं, पर गैस वर्क नहीं करना है, 0 गैस वर्क करना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से पेपर देना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। OMR शीट का आप लोग कई बार पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, बाद में फिल या सेम टाइम, मैं बोलता हूं कि आप एक पेज के जितने क्वेश्चन है वो करिए एंड देन उसको फिल कर दीजिए, फिर अगला पेज पे आइए और केयरफुल इसके लेके जाइए। कई बार 4-5 की जगह 5-6 मार्क हो गया, वो भी एक मिस्टेक हो सकती है। चैलेंज बिल्कुल मत लीजिए, फेवरेट टॉपिक हो तो भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो क्वेश्चन छोड़ने, वो आपके हाईएस्ट फेवरेट टॉपिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको चैलेंज नहीं लेना। जो क्वेश्चन पहले राउंड में, पहले 1 घंटे में नॉर्मली जिस टेक्निक से मैंने पढ़ाया है, कोई भी बच्चा 50-60 क्वेश्चन कर सकता है पहले 1 घंटे में। सोच लीजिए, पेपर 2.5 घंटे का मिलेगा, मैं 2 घंटे की बात करता हूं हमेशा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार वो कॉपी साइन करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा प्रेशर, वो सब चीजों के लिए भी टाइम दे दो। पहले 1 घंटे में 50-60 हो सकते हैं, बट फिर इसको भी थंब रूल ना बनाए, जितने हो सकते हैं, पेपर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर भी मैं बताता हूं कि 40-50 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। पहले घंटे के बाद 2 घंटे में क्वेश्चन धीरे धीरे होते हैं, 2 रीजन। पहला, 1 घंटे में आपने जो सिंपल थे वो कर डाले, आप जो कर रहे हैं वो टाइम कंज्यूमिंग ही है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सेकेंड आवर में परफॉर्मेंस कम होती है, एक्चुअल में सेकेंड आवर में क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। सेकेंड आवर में उन क्वेश्चन को करिए जो सेकेंड और थर्ड राउंड के हैं। जब ये पूरा हो जाए, OMR शीट फिल करिए, और बिल्कुल काउंट मत करिए कितने हुए कितने नहीं हुए, अपना एक पॉजिटिव इनपुट देके आइए।
आज की डेट में जितने भी टॉपिक आते हैं उन्हीं टॉपिक के भरोसे पेपर देने चाहिए। अब आप चाहेंगे भी तो नया कुछ नहीं कर सकते। ये हुई बात मैथ्स पेपर को। मैथ्स पेपर देके जब निकलेंगे तो अब क्या, अब जो बच्चे जीएटी के पेपर बिगाड़ते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स के पेपर के बाद आके चालू होते हैं कि यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इस आंसर को क्या तुमने दिया, मैंने ये क्वेश्चन किया था तुमने क्या किया, मेरे इतने हुए। जो ये डिस्कशन कर रहा है उसके जीएटी के पेपर के बिगड़ने के हाईएस्ट चांस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके दो क्वेश्चन ये गाले गलत हुए तो आपका वो जीएटी में प्रेशर रिलीव नहीं कर पाएगा और बढ़ा देगा। तो अब क्या, मैथ्स का पेपर दे के निकल चुके हैं, जो हो चुका उसमें कोई चेंज कर पाएंगे? नहीं, भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट दिस। कोई आपसे पूछे कि क्या किया, आप बोले पूरा पेपर किया, बस खत्म, उससे आगे पीछे नहीं बोलना। कोई बोले क्वेश्चन डिस्कस करना है, आंसर नो, बिल्कुल जीरो। बहुत तेजी से कान को बंद रखिए। अब मैथ्स और जीएटी के पेपर के दो घंटे का सही यूटिलाइजेशन आपके जीएटी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है वो समझ लीजिए। नंबर वन, मैथ्स के पेपर को बंद सब भूल जाइए, बाहर निकलिए, हल्का फुल्का खाइए, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत खाइए। और जिस भी जगह पे जहां पर भी, कपड़ों की चिंता मत करिए, बिल्कुल मत करिए, जिस भी स्कूल में, जिस भी ग्राउंड में, जहां पर भी है, जिस भी पेड़ के नीचे, गर्मी का समय नहीं है, सबसे अच्छा इस एग्जाम नवंबर वाले मंथ में ही होता है कि ना बहुत गर्मी होती है ना बिल्कुल ठंड होती है, एक अच्छा टेम्परेचर होता है। जहां पर भी है हेड डाउन करके या लेट जाए, जहां पर भी पेड़ के नीचे बैठे वहां लेट जाए, या हेड डाउन करके आग बंद करके आधे घंटे अपने आप को बिल्कुल फ्री रिलैक्स कर दें, बिल्कुल फ्री बॉडी को छोड़ दें। ये आपकी लाइफ को बहुत, आपके पेपर को बहुत चेंज करने वाला है। कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद ये करिएगा। अब उसके बाद उठिए, अच्छे से 3-4 मग्गे पानी से मुंह धोइए, एंड देन एक आध चाय कॉफ़ी अगर पीते हैं तो पी लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना लें तो अच्छा है, पर आपकी मर्जी है। कोई खाना चाहें तो फ्रूट खा लें, फ्रूट सबसे अच्छे होते हैं, एनर्जी भी मिलती है और हैवीनेस भी नहीं होती। हैवी खाने की दिक्कत हो सकती है, आप ज़्यादा पूरी सब्जी खा रहे हैं वो दिक्कत हो सकती है, पर फ्रूट के साथ कोई दिक्कत नहीं। एप्पल खा लें, ऑरेंज खा लें, मौसमी जो फ्रूट खाना खा लें, बनाना खा लें, देन अगला पेपर बहुत ही पॉजिटिव माइंड से जाइए। और ये सब दिमाग से निकाल के कि मैंने मैथ्स में क्या किया है, बिना किसी बात के। जीएटी में आपके पास अलग अलग सेक्शंस हैं, हर सेक्शन इधर भी आपको फिर वही 10 मिनट देना है। बहुत ही शांति से पहले 10 मिनट दीजिए, इत्मीनान से 10 मिनट देने के बाद सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन रखिए। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, इंग्लिश आपका फेवरेट हो सकता है, पर अगर आपका मीडियम हिंदी है और इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट राइट ज़्यादा नहीं होते तो आप सबसे आखिरी में आइए। जीएस में हिस्ट्री पहले करना है या सिविक्स पहले करना है या पॉलिटी करनी है, ये आपके फेवरेट के ऊपर है। देन उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन भी करने हैं, ये आपके स्कोरिंग के लिए है। जितना हो सके राइट की तरफ वर्क करिए और कहीं कोई चीज़ दिमाग में मत लाइए, जो पढ़ा है उसको रिकॉल करिए, बहुत पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिए। सेना में जाने वाले इंसान के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं अपनी कंट्री के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आप को जो दे सकता हूं वो दूंगा। यही थॉट लेके पेपर में जाइए, एक अच्छा पेपर दे के आइए, फिर जो रिजल्ट होगा उसको बाद में देखेंगे। रिजल्ट की चिंता मत करिए, मैं जितनी हो सकता उतने बच्चों से हमेशा बात करता हूं, आज भी करता हूं, आगे भी करूंगा। पेपर के बाद आप मुझसे बात करिए कि अगला ऑप्शन क्या, SSB की प्रिपरेशन करनी है, कट ऑफ क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे 17 तारीख को बात करूंगा। अभी अपना फोकस रखिए, फ्राइडे यानी रिविजन डे बट विदाउट बुक, बिल्कुल बुक ओपन नहीं करना। सैटरडे जीरो रिविजन, जीरो ओपन बुक, कुछ नहीं करना है। एंड संडे को बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पेपर देना है, किसी से दूसरे पेपर के खत्म होने तक बात नहीं। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको पूछते हैं, कई बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं कि मैथ्स का पेपर कैसा हुआ, कुछ मत बोलिए, उनको भी ये सेशन सुना दीजिए पहले ही। किसी से किसी भी तरह की कोई बात मत करिए जीएटी के पेपर खत्म होने तक। और पेपर खत्म होने के बाद फिर आप इम्पीटस गुरुकुल की वेबसाइट पर विजिट करो, impetusgurukul.com, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इम्पीटस गुरुकुल पे वीडियो का सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिर आपका जो स्कोर आया वो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू स्कोर हम अगली प्लानिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अपना पॉजिटिव माइंड से पेपर देने की कोशिश करिए। वंस अगेन जय हिंद, ऑल द बेस्ट।